हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सेफ हो, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और अभी ज़्यादा और केसेस बढ़ रहे हैं सारे सिटीज़ में और इंडिया में। तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड था, जो मैं होम टाउन गए थे हम लोग, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ 14 डेज़ के आर्टिकल्स बनाऊँगा रिलेटेड टू कोरोना। एंड उसमें मैं मतलब सब लोग अपने आप बोल के या फिर ब्लॉग लिखे या सब लोग अपने हिसाब से ये सारी बातें करते हैं कोरोना के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आर्ट वर्क दिखाऊँ आप लोगों को, जिससे लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले ये अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर के किस तरीके का क्या टाइम चल रहा है, क्या सिचुएशन है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि मैं मेरे आर्ट वर्क में दिखाऊँगा। फर्स्ट वाले आर्टवर्क में मैंने दिखाया है कि कोरोना किस तरीके से है हम लोगों के बीच में, दिखता नहीं है सब लोगों को, फिर भी वो फैल रहा है। तो ये वाले आर्टवर्क में मैंने अपने कलर और फ्लैशेस से दिखाया है कि ये कोरोना इस तरीके से है हम लोगों के बीच में। एंड जैसे कोरोना की वजह से इंडिया में लॉकडाउन हुआ और हम लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो जैसे हम मैंने ये देखा कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे, तो जैसे बाहर के जो एनिमल्स है और जो अपने पेड़ पौधे और जो भी नेचर है उन लोगों वो खुद एंजॉय कर रहे थे, वैसा मैंने मेरे आर्टवर्क में दिखाया है, क्योंकि हम लोग सब घर में हैं और वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद वाले आर्टवर्क में मैंने ये सोचा कि जो हमारे एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है जो फॉरेस्ट में है, तो हम लोग उनके वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं और अभी कोई जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो हम लोग लोगों तक पहुँच रहे हैं कि जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो हम उनको खाना के लिए डोनेट कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ पैसे डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग भी कुछ फॉरेस्ट में कुछ डोनेट करते हैं और मैंने एक आर्टवर्क बनाया कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके लिए भी हम लोग एक बार देखें, क्योंकि वो हमें नज़र में नहीं आएगा इस वाली सिचुएशन में। एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके वहाँ तक भी हम लोग पहुँच नहीं सकते, तो उसके बाद वाले आर्टवर्क में मैंने जो मछलियों को खाना देना और वो आसपास के जो हमारे जो लेक है या फिर मैनमेड है, नेचुरल है, तो वहाँ भी हम लोग कुछ जाके डालें या फिर हम हमारे जो पुलिस वाले या जो हमारे लिए सेवाएँ कर रहे हैं उनको हम लोग बोलें कि ये सारी चीज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो ये वाले आर्टवर्क में मैंने उसके लिए बनाया था। जैसे ये वाले टाइम में मैंने देखा कि अपने विंडो से या बिल्डिंग से बाहर स्काई में जैसे किस तरीके से क्लाउड दिख रहा है बहुत ही कलरफुल और अभी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वो बहुत ही क्लीन दिख रहा है, तो उसके अंदर जैसे बर्ड है वो फ्लाई कर रहे हैं और वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड सारी फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद है। तो मैंने ये आर्ट वर्क में ब्यूटीफुली क्लाउड दिखाए हैं, बर्ड्स दिखाए हैं एंड फ्लाइट बंद है वो दिखाया है मैंने। उसके बाद जैसे हम लोग सब लोगों को जिन जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उनको हम लोग डोनेट कर रहे हैं, खाना डोनेट कर रहे हैं या फिर कुछ हम लोग पीएम फंड में भी पैसे डाल रहे हैं। तो मैंने ये वाले आर्टवर्क में टिफिन्स दिखाए हैं और बिल्डिंग्स दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग हमारे घरों से भी बेचते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोज भेज रखे हैं सोशल मीडिया में कि इस तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये वाले आर्टवर्क जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उनके लिए और वो लोग कि जो खाना डोनेट कर रहे हैं। एंड अभी सारे जो रास्ते हैं अराउंड द वर्ल्ड सब कुछ बंद ही हो गया है, क्योंकि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, तो मैंने ये जो अपने व्हीकल्स है जिसको अभी स्टॉप मिल गया है, क्योंकि वो अभी व्हीकल लेके हम लोग कहीं नहीं जा सकते, तो मैंने अपने जो रास्ते हैं वो एकदम कलरफुल दिखाए हैं, क्योंकि सब जगह इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी और रोड पे ज़्यादा अपने से ज़्यादा फ्लावर्स और पत्ते और वो सारी चीज़ें दिख रही है हम लोगों को। तो ये वाले आर्ट वर्क में मैंने ये व्हीकल्स एंड जो अपने रास्ते हैं वो मैंने दिखाए हैं। ये वाले टाइम में भी हमें ये एक दो चीज़ के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, ग्रोसरी, मिल्क एंड वेजिटेबल्स के लिए, तो ये सारी चीज़ों
से भी ज़्यादा फैला हुआ था अहमदाबाद में, बॉम्बे में कोरोना। तो मैंने ये आर्टवर्क में वेजिटेबल्स दिखाए हैं कि आप अपना सेफ्टी रखिए, वो सारी चीज़ घर पे ला रहे हो अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत गंदा टाइम है और इस वजह से ही कोरोना फैल रहा है। तो ये आर्टवर्क में मैंने ये दिखाया है कि वो सब्जी ला के घर पे फ्रेश उसको करिए एंड देन धूप में रखिए 2-3 घंटे की, जो भी उसके ऊपर फैला हुआ है वो मिट जाए और अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। एंड हम लोग ये सारी चीज़ लेने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद वाले आर्टवर्क में ये दिखाया है, सारे घर्स हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स में मैंने दिखाया है कि अपने को एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द अभी कोरोना ही अपनी लाइफ के अंदर जुड़ चुका है, तो ये चीज़ें अपने को ख्याल रखनी पड़ेगी। तो ये आर्टवर्क से मेरा ये बोलना है कि सोशल डिस्टेंस रखें जब हम बाहर काम के लिए जाते हैं तो। एंड जो भी घर में, जैसे कि सब लोगों के काम बंद हो चुके हैं, ऑफिस का काम है, जो बिजनेस करते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, सब लोगों के काम अभी स्टॉप हो चुके हैं, बट जो घर की मॉम है उनका काम अभी स्टॉप नहीं हुआ है और बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे, हस्बैंड्स, ब्रदर, उन सब के लिए वो बहुत ही अच्छे खाना बना रहे हैं। तो सब लोग अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पे सब जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी ये वाले आर्टवर्क में अपनी मॉम, सिस्टर, वाइफ को दिखाया है कि वो हमारे लिए इतने अच्छे खाना बना रहे हैं, तो ये आर्टवर्क मैंने उसको डेडिकेट किया है। कोरोना की वजह से हम लोग हमारी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बाहर नहीं जाना है, 24 आवर्स हम लोग घर में ही हैं। तो जैसे मॉम, डैड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, उन लोगों के साथ हम लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ ज़्यादा बातों का डिस्कशन कर रहे हैं, वर्क का डिस्कशन हो रहा है। तो ये कोरोना ने हमें ज़्यादा और नज़दीक ला दिया है सब लोगों के साथ, और ये वाले आर्टवर्क में मैंने ये चीज़ दिखाई है क्योंकि ये सब लोगों ने बदलाव देखा है अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में। एंड अभी हम लोग घरों में हैं तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो साफ सफाई करने वाले हैं, उन लोगों का काम नहीं बंद हुआ है और वो कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि हम लोग घर में सेफ हैं क्योंकि वो लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो मैंने ये वाले आर्टवर्क में मैप दिखाया है एंड उसके ऊपर जो पुलिस वाले और डॉक्टर्स की जो गाड़ियाँ हैं, फिर जहाँ पे साफ सफाई करने वाले हैं वो मैंने डॉट्स के थ्रू दिखाए हैं। तो ये आर्टवर्क मैं उनको डेडिकेट करता हूँ क्योंकि वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और वो है तो हम लोग घरों में सेफ है। अभी लास्ट में बचे हैं 2 आर्टवर्क, जिसमें सेकंड लास्ट आर्टवर्क है कि कोरोना हम लोगों की लाइफ से जुड़ गया है, तो अभी उसको हम लोग लेके आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। एंड अभी अराउंड द वर्ल्ड वो किस तरीके से फैल रहा है और उसके बावजूद भी हम लोग कैसे आगे बढ़े और हम किस तरीके की सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने इस आर्टवर्क में दिखाया है। एंड लास्ट वाला आर्टवर्क मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ये 14 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड था, जिसमें मैं, गरिमा और दर्शित हम लोग एक ही घर में, एक ही कमरे में थे, तो मैंने मेरा वर्क प्लेस को किस तरीके से विजुलाइज किया है और एंजॉय किया है मॉम, डैड और गरिमा दर्शित के साथ, तो मैंने इतना ब्यूटीफुली खुद को एंजॉय किया है, वही मैंने पूरे आर्टवर्क में दिखाया है। एंड आई होप कि ये सारे आर्टवर्क आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे, और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि कौन कौन से आर्टवर्क आप लोगों को अच्छे लगे। एंड ये सारे आर्टवर्क हम लोगों ने सेल के लिए भी रखे हैं और अगर इससे हमें जो भी अमाउंट मिलती है वो सारी अमाउंट हम लोग पीएम फंड में डालेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने खरीदे भी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, किसी ने पेंटिंग के लिए, किसी ने कर्टन्स के लिए, कुछ फैब्रिक पे कपड़ों के लिए। तो अगर आप लोगों को भी अभी चाहिए, क्योंकि ये मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल है मेरा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ये सारे आर्टवर्क थे, और किसी को चाहिए तो वो मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, या फिर आप लोगों के दिमाग में कुछ है क्रिएटिव्स आइडिया या वीडियो के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग डेफिनेटली वो वीडियोज़ बनाएंगे और आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ।